पहले हमने ना शाम वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मौसम जी काफ़ी प्यारा बन चुका है और कुछ मेहमान जो है ना वो चले गए थे, अभी कुछ जो है ना यहाँ पर हैं हमारे घर में। तो मेहमान आए थे, इतनी गर्मी बन गई थी, तो मेहमानों के जाते ही ना अल्लाह पाक ने रहमत बरसाई है, मौसम बड़ा कमाल बन गया, गर्मी की शिद्दत जो है ना वो कम हो गई है। अब ये दूसरी बार बारिश आ रही है, अभी पीछे जो है ना मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी बादल हैं पीछे, मेरे ख्याल में शाम तक जो है ना मौसम ठीक नहीं होगा। और ये ताज़ा ताज़ा कपड़े धोए थे अभी, उन्होंने डाले ही हैं सुखाने के लिए कि ऊपर से बारिश आ गई, वो पहले से भीगे हुए थे और फिर जो है ना ज़्यादा भीग गए। बच्चे जो है ना राशन लेने जा रहे थे लेकिन बारिश जो है ना नहीं जाने जा रही है। आए आए मौसम चेक कर। चलो जी, फिर बारिश थोड़ी थम जाएगी, रुक जाएगी, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं। मैंने सोचा मौसम जो है ना कमाल बन चुका है, तो व्यूअर्स है ना मौसम के बारे में भी शेयर कर लूँ, क्योंकि यहाँ जब भी बारिश आती है ना अच्छी भले तकड़ी आती है। तो मौसम जो है ना वो कुछ माशाल्लाह से बेहतर बन गया था, बारिश जो है ना वो रुक चुकी है और अभी ना तोका कुतर रहे हैं। आज मुनीब नहीं है, हसीब भी नहीं है, चाचू जान खुद जो है ना वो तोका कुतवा रहे हैं, साजिद भाई। तो जनरेटर में जो है ना वो पानी घुस गया था, जनरेटर जो है ना चल नहीं रहा था, अभी उसको मस्से मस्से चलाया है, तो तोका जो है ना वो कुतरे के इंशाल्लाह मवेशी खोलेंगे। यहाँ पे शोर बहुत होता है, तो इसलिए ना मैं आवाज़ जो है ना ज़रा ऊँची रख रहा हूँ, शोर बहुत है। हिम्मत करो बच्चे, हिम्मत हिम्मत करो, हिम्मत हिम्मत करो। तो सब्जी जी काट जा रही है, आज ना कुछ हमने कहा गर्म चीज़ें खा के ना आज कुछ ठंडा हो जाए, इसलिए ना तूरियाँ मंगवा ली हैं, घिया तूरी, तो काट रही हैं सादो और चावल और ये गरम खा। अब ठंडी अम्बलें खाएंगे। चलो मैं ना देख रहा हूँ कि काफ़ी मेहमान जो है ना वो चले गए, आज कुछ सहूलत हो गई आपके लिए। मेहमान आना अच्छी बात है लेकिन जाना भी अच्छी बात है, क्योंकि बंदा थक जाता है ना काम कर कर के। जितना माशाल्लाह फैमिली होती है मेहमान तो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत होती है। काम वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं और फिर चलो आज कुछ रेस्ट भी मिल गई, सुकून भी कर लिया, भाजियाँ भी बना रही हैं, तूरियाँ भी पका रही हैं, वरना मेहमान जब आते हैं ना, आपने कभी तूरियाँ देखी हैं? अगो टपना होने लाल में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन बताएं कि कौन कौन से मेहमान आज किधर किधर गए हैं। आज ना वो मामू अल्ताफ वाला घर चले गए हैं। हाँ वो वाला चले गए हैं। अच्छा और नहीं आते डॉक्टर वाले, वो भी घर चले गए हैं, मुखलस डॉक्टर वाले। और जो है ना और कौन ये थे? वाले ये तो वाले पूछ रहा हूँ जो इधर रहते थे फिर। हाँ तनवीर वालों के घर डरी ना करें, जोर दा क्या कर स्पीकर चाहे दा कर। अच्छा तो इसलिए तू यहाँ बना रही हो इधर जाना भी मसला से आप और आपके हस्बैंड और मेहमान और दुल्हा और दुल्हन आ रहे हैं ना आज। बेमेहमान आ रहे हैं, सब्जी खवा सब्जी खिलाएंगे। दुल्हा और दुल्हन के लिए स्पेशल दावत, स्पेशल दावत बारिश का मौसम है ना।
बारिश जो है ना वो मोहलत नहीं दे रही कि हम कोई और चीज बना लें। जी लकड़ी वगैरह जो है ना गीली हो गई है और लकड़ी थोड़ी सी जितने लकड़ी के हिसाब से जो है ना चीजें बना रहे हैं। सुबह फिर दावत बनाएंगे इंशाल्लाह। सुबह चलो दुल्हा दुल्हन आ जाए वो भी खुशी की बात है। हम ना थोड़ा बहुत खुशी की बात है, खाना पीता होता रहेगा बाद में। चलो जी काट लो टाइम सही है तो रात के 12 बजे जाएंगे। क्या बोल रहे हो आप? तो नौके का है। हेलो बात ही नहीं सुनता। क्या दे जलती है? मैंने कहा उसको पानी कड़वा है, कहता है मोटर से भर के ले आया हूँ। मोटर से नलके पे नहीं गया? नहीं ये मतलब सही है, नलके पे और जो मतलब डाला हुआ है वो कड़वा है। अच्छा वो पहले वाला? हाँ ये ठीक है नलके वाला। अच्छा ये तो गायों के साथ जाने वाला था, ये उधर कैसे? पता नहीं एक बंदा अगर टकरा हुआ था उसको कहा तो है तो गाय लेकर आई। हमने समझा मुझे अब जाना गया है गायें लेने। आप तो बेधंधों में लगे हो जो है ना। हाँ जी। बात भी नहीं सुनते। मैं अभी जाता हूँ ना। अभी जाओ और अपने मवेशी टाइम से वापस चाहिए हमें। हाँ जल्दी चाहिए। आज बारिश है वही ना सो जाए। नहीं सोते। और सुनाओ अल्लाह पाक का शुक्र है। बच्चे बच्चे सेहत का सुना बच्चे? अच्छा सेहत बेहतरीन है। मजे मजे। घर वालों को कैसा रखा हुआ है? वो भी बेहतरीन रखा हुआ है। खुश हैं? खुश हैं। गिला शिकवा करते हैं? नहीं करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह तरसल्ला है। चलो अल्लाह पाक मजीद तरक्की दे कामयाबी दे। आमीन। जब आप बड़े यूट्यूबर बन जाओ ना जी फिर हम आएंगे आपके घर इंशाल्लाह। हाँ बहन में सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चैनल ना जी। ये इसको क्यों बाहर रख दिया? ये बेचारा यकीन है इसको अकेला कर दिया। वो एक अपना हिस्सा रख के गया दूसरा मेरा हिस्सा छड़ के गया इधर। बारिश का मौसम है जल्दी टाइम से काम निपटा लो तो अच्छी बात है। हाँ जी। सोना है आज भर के सोएंगे शादी खत्म हुई। हाँ जी भर के सोएंगे बारिश का ऊपर सोने देती है। चलो जैसे कैसे बस वो शादी का माहौल जो था ना वो नहीं सोने देता था जी। आज समिया जो है ना रेडियो के व्हील चेयर पर बैठ गई या चढ़ गई है क्योंकि इसको ना व्हील चेयर पर सुकून मिलता है। ये नीचे अगर छोड़े तो कपड़े गंदे सारे और रेडी करके ना यहाँ पे बिठा देते हैं। अभी बारिश भी रमझम कर रही है लेकिन ये अभी सुकून से बैठी हुई है। बस अभी हम रवाना हो रहे हैं। पहले जो यहाँ पे दुल्हा और दुल्हन जो है ना वो पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह से इस्तकबाल भी हो गया और बिठा भी दिया है। मैंने कहा गाड़ी के इंतजार कर रहे हैं अभी आने वाली है तो उसके बाद इरफान के फौरन कॉल आ गई। उससे भी मैंने यही बात की, मैंने कहा गाड़ी आ रही है कॉल नहीं, मैंने कहा उनके लेट हो गई है आज अभी क्या सर लेट हो जाए वैसे लेकिन आ जाएगी हम जरूर आएंगे। मैंने इरफान को फोन पे ये बात करते तो फिर हमारे पास कौशल आ गई उधर हमारे। हमने कहा हमने तैयारी भी की हुई है गाड़ी के इंतजार कर अच्छा, रहे हैं। बात सुनो ये बात की थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। इन्होंने बोला यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा, हमारी तैयारी थी गाड़ी की कॉल हो गई थी आपको बताया है। एक मिनट बात सुनो, क्यों बोलूंगा बहस में ना पड़ो, मेरी बात सुनो। मैंने आप पे भी कसूरवार नहीं दिया ना। मेरी बात सुनते नहीं हो पूरी, सुनाओ। मैंने बोला उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी वाले को बोला है, उसने बोला मैं 7 बजे आऊँगा। फिर दूसरे को बोला है, उसने बोला मैं आ रहा हूँ लेने। हाँ जी बस मैंने इतनी बात की, आपने ये तो नहीं बोला हम नहीं आ रहे या जरूर आए। मैं तो ये नहीं बोला। वो बस कौशल की गलती है मेरी सुनोगे अब? हाँ मुझे जब पता चला आपने कहा कि हम आ रहे हैं मैंने लड़कों को बुलाया। हाँ जी मैंने कहा जाओ सौदे वगैरह राशन लेके आओ। हाँ जी दौड़ का इंतजाम करना है। जी जी मैंने पैसे दिए इधर से कौशल आ गई। अच्छा हमारे कमरे के अंदर दाखिल हुई, कहती है वो राशन वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं आ रहे। मैंने कहा अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं। कहती है नहीं वो बात हुई है फरमान की। अब ये नहीं बताया कि इसने फोन किया या आपने किया, फरमान ने फोन किया। वो कह रहे हैं कि आज हम नहीं आ रहे, गाड़ी नहीं मिल रही, सुबह आएंगे। अगर मैं फोन करता तो आपको ना करता? पक्की तसल्ली से कहा कि आज नहीं आ रहे, वो सुबह आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बच्चों को भेज दिया, मैंने कहा जाओ सब्जी वगैरह ले आओ, बारिश के मौसम है इधर, लड़कियों बच्चों को कह दिया। हाँ। जाओ आटा वगैरह गूंदो। हाँ। रोटी पकाओ। अच्छा इन्होंने 2 थाल आटे के गूंद लिए, मेहमान भी थे ना काफी सारे 2 थाल आटे के गूंद लिए।
उधर से वो बच्चे सब्जी लेके आ गए। अच्छा, फिर मैंने कहा पता तो करें, यह बात उधर उलट पुलट हो रही है। हाँ। जब फिर मैंने फोन किया तो आपने कहा कि हम हाइड इस्लाम क्रॉस कर चुके हैं। मैं अगर रोकता ना तो आपको कॉल करता, मैं उन्हें क्यों कहता। वो बस कौशल खाना दिमाग फौरन कॉल, आपके कॉल के बाद इसकी कॉल आ गई थी, तो इनकी गलती है। मैंने कहा गाड़ी के इंतजार बैठे हैं। जैसे कैसे ना हमने तो धोखा दे दिया ना आप लोगों को इतना बड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, उस टाइम ये बोल देता कि हम जरूर आएंगे यार, हमने उनको दावत पे बुलाया, हमने आगे से कुछ इंतजाम भी नहीं किया, कुछ नहीं कर सके। आज बारिश है, कल देखने वाले बहन भाई या वो दिल में क्या सोचेंगे कि मैं ये सब्जी खिलाने के लिए बुलाया था। ये आप लोगों की गलती की वजह से ना मैं आज जिंदगी में पहली बार धोखा खा बैठा। मैंने आपको कॉल पे यही बताया, आप दावत बनाओ। अगर मैं रोकता तो आपको कॉल करता, मैं इरफान को क्यों करता रोकने के लिए। वो नहीं, ऐसे गलत फहमी होगी ये इस बात की। साकिब जी जो केले बोला बताया गोर कोई चीज गोर बोला था, मैंने बात की। अभी दो तीन गाड़ियों को कॉल की, कोई नहीं आ रही, कोई 7 बजे का कहता है, कोई अभी आधे आ रहा हूँ, अभी तक कोई पहुंची नहीं आई थी। हाँ। तो पता है आ सक दूजा शायद सुबह ही आना पड़ेगा। मैंने बात ही नहीं की। नहीं, वो ऐसे बोल रहे थे जो उनके पता है सुबह की, मैंने कसूर नहीं है, गाड़ी वालों का कसूर है ऐसे। अच्छा, और किसी का कसूर नहीं है, जो चीज नसीब में थी नसीब में लिखी हुई है, मिल गई सुबह बना रही है बस। हाँ, बस नसीब में सुबह जो नसीब में होगा सुबह इंशाल्लाह नहीं होगा फिर। चलो तो सीधा होने दो, उनको सीधा होने दो, बैठ जाए बच्चे, इधर आ जाओ ना बेटा, तो आप इधर आ जाओ। चलें जी, अब जो है ना खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, जो भी बनाया है मिल के खाते हैं। इंशाल्लाह सुबह बड़ी अच्छी दावत बनाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रहे। ओ इस्तेहाना, क्या खा रही हो? खाना रात वाला डिनर आज नीचे पड़ी हो, खटड़े पे नहीं बिठाया इन लोगों ने, क्यों? आपका दिल नहीं करता चारपाई पे बैठने का? गर्मी आती है क्या? ये खाना ले आओ भैया, ये सर एक दो ताके पाड़े। अच्छा खामोश हो जाओ, चलो वो डोलू दे दो। ऊपर से इतना शोर मचा दिया आप सब। नहीं, और तुम्हारे अब्बू है ना तेज मिर्चा नहीं खाते, कोई शोर नहीं मचा रहे, उसे कह रहे जो मुझे दूध दे दो, दूध के साथ मैं रोटी खाऊंगा। तो ये मच्छन जो पता नहीं मुंह खुला हुआ है, पता नहीं क्या होता है, जब नया बंदा बनाता है ना तो ऐसे होता है। अच्छा, पता नहीं मच्छे का उसने डाली थी या फिर आप वो चेन में धोते है ना मिर्चों की, न्यू आते हैं ना इसलिए तेज हो जाती है। किसको देनी है ये देखे नहीं साला ने, और खाना वगैरह जो है ना दिया जा रहा है, तो अंदर भी नहीं आए, किचन में बैठ के शुरू कर दिए। हाँ जी, ये इधर ही सालन और रोटी रखी थी ना, तो हमने खा, इधर से बांटना स्टार्ट कर देते हैं। मैं समझा अंदर ले आएंगे, मैं समझा अभी पाने रहा है। अच्छा तो सबको खाना दे दो, आज ना मैं कौशल को बुलाता रहा कि आज वो दुल्हन से दूल्हे से थोड़ी बातें कर लें। हाँ, वो अभी सलाम करके आई है, अपने मस्ती में मगन रहती है। तो मैं फ्री हुई तो गई हूँ ना सलाम करने, तो फिर गई तो फिर उसे बता देती मैं सलाम करने जा रही हूँ। ये उधर बच्चों को दे दो। नहीं, इसके ना सिस्टर साथ बैठे थे, मैंने कहा इसको बिठा दो एक मिनट, हम ना वो वीडियो क्लिप बना के ना आ जाते हैं। ये ना बस पता नहीं क्या करूँ अब इसका, बस उनका दिल नहीं करता वीडियो बनाने के, बस खत्म गल। और क्या, बार बार बहन भैया को क्या बोलो, जिसका दिल करता है तो बात कर लेता, जिसका नहीं करता तो।
जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अब पूरे व्लॉग में एक आधा क्लिप बनाता हूँ, वो भी पता नहीं। बस बार बार यही बोलती है हम काम कर रहे हैं, फिर वो बात हो काम के साथ साथ तो वीडियो ही बनती है। वही तो बनानी होती है। ऐसे तो नहीं कम में चार पाई पे बैठे हैं फिर ऐसे बातें करो, बड़ा अच्छा नहीं लगता ना। सिर्फ काम ही करते रहें, बात ही करते रहें बस। अब चलो मेरा अब देखें चैनल की मत मरेगी, कोई वीडियो नहीं जा रही। मेरा व्लॉग है, अभी फरमान भाई आए थे उन्होंने बनाया। हाँ वो देखें बारिश में तो सफर करके आए, फिर भी उन्होंने हमारे साथ वीडियो भी पूरी कर ले। नहीं इधर किचन में आए थे। नहीं इधर मैं कल तो नहीं आया। आए होंगे। अच्छा अभी पूछ लेता हूँ, फरमान भाई आए थे तो वो इधर आके बनाया ना, तो मैंने भी आपको बोला कि इधर आके बना लो। इधर आके जब वो बनाते हैं तो उधर कुछ नहीं, नांग नहीं चख पाते। जब मैं कैमरा ओपन करता हूँ ना, ये बोलते हैं मेरा दिमाग खराब है, सर में दर्द है। अब क्या कहूँ मैं इसको। चलो मैंने कहा जब आपका दिल करे बनाना ना दिल करे, मैं यहाँ पे तो बाकी तो घर वाले हैं ना, फरमान साहब के साथ बना लेता है। हाँ जो खुशी खुशी बनवाता है वो खुशी खुशी वीडियो बनाती थी। आप खुद बनाती थी तो वीडियो भी चलती थी। शादी की थकावट हो गई है ना इसलिए बस। हाँ मैं ये सोचता हूँ, चलो काफी मेहमान होते हैं काम कारो शादी वाले घर वाले करते हैं और नहीं करते। वो तो आते हैं मेहमान, अपने घर वाले होते हैं उनकी खिदमत करते हैं, सारा कुछ काम हर बंदा करता है। शादी हर घर में होती है, हमारे घर में न्यू तो नहीं है ना। ये पहली बार हुआ है जिंदगी में ये कौशल ऐसा कर रही है, पहले कभी नहीं हुआ। और ये है चलो मेरा भी लोग है, मेरे भी लोग से आप रखती हो, बाकी तो बनाते हो उधर तो खुशी खुशी बात करती हो, लगता है मुझसे ना ये नाराज रहती है, पता नहीं क्या बात। अच्छा छोड़ें इस बात को। आप भी मैं आया, मैंने कहा चलो अम्मी बैठी हैं बात कर लो। व्लॉग तो बनाना है ना, तो क्या खाएंगे? व्लॉग तो बन जाता है, तो रोज ही है, तो व्लॉग ना बनाए तो कहाँ से खाए। और तो कोई काम नहीं है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम ना खुशी खुशी हंसी खुशी व्लॉग बनाए, चल जाए, मेहनत कर रहा हूँ तो आगे से ना बस मेहनत करो चैनल को चलाओ, और कुछ नहीं आता इधर। हाँ खुशी खुशी ना जैसे पहले बनाती थी ना, अगर बनवाना है तो वैसे बनवाओ हंसी खुशी। सुबह सुबह उठ के आप सलाम दुआ कर वीडियो शुरू किया, काम काम के साथ साथ आप व्लॉग। नहीं ये नहीं है, मैं उससे नहीं बोलता कि आप बनाए, मैं खुद कैमरा मैन हूँ, मेरी वीडियो में ऐसे मैं ये बता रही हूँ। काम करते रहे बातें करते तो अच्छा अच्छा व्लॉग जैसे ना पहले बन जाते ऐसे बनाओ। वो बनाने के लिए टेंशन नहीं ले, मैं टाइम से सुबह भी बना सकता हूँ, मैं तीन चार वीडियो भी बना सकता हूँ, बनवाने वाला का साथ दे तो। किसको दिया था खाना? खाना किस किस का था? असीफ का, मुनीब का थे, चाचा सज्जू था। तो उनको बोला ना उधर चले जाओ, ले गया है खाना। असीब अकेला है, उसको इधर भेजो, वो इधर आके बैठे इनके साथ। मैं आँखें में ना दो ले के रहा रहता है। चलो ऐसा कह तू मुंगरिया और ले आ। या मुंगरिया हो सन जरान में चाह आया। ओ अलमारी तो ले आ। अच्छा जी तो यहाँ पर बैठे हैं फरमान भाई भाभी और उनके सिस्टर सब आके तो खाना पीना जो है ना वो खा रहे हैं। हाँ जी अभी अभी पहुँचे हैं, बारिश का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे जैसे कि बताया है। खाना हमारा भी आज काफ़ी सबसे ज़्यादा लेट आज हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बंदे थे ना वो एक दूसरे का सहारा लेते हैं। नहीं सहारे की बात नहीं है, एक तो सब्जी लेट लेने गए थे, दूसरी बात बारिश हो रही थी ना, बारिश में कैसे बनाता है, बारिश रुकी है तो फिर बनाना स्टार्ट किया। जैसे भी हो वो दो होती थी आपस में, वो तो टाइम से पका लेती थी। नहीं सब्जी देर से ले आए ना, सब्जी की बात थी, अगर सब्जी टाइम से आ जाती तो हम बारिश में भी बना लेते थे। घंटा तो छीलते रहे है ना। ये चीज ही ऐसी है, इनको ये किया तो रे ये तुरी को छीलते छीलते बड़ा वक्त लगता। हाँ और वो मकदार भी कुछ ज़्यादा थी ना आज। चलो बन गया, नसीब में था, खा रहे हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। तो आप जो गए हो वहाँ क्या बना? वहाँ पर
हम पहुंचे हैं कल रात 12:30 बजे। तेरी फिर जो ना रस्में सस्में होती हैं, अभी हमने सोचा जाके वहाँ बिठाए दूल्हा दुल्हन को, पहले पहले हम पहुँचे थे तो ताले लगे थे, कुछ भी नहीं था। फिर दूल्हे ने चार पाया निकाले बाहर बैठ गए। ओ लगता है ऐसे सिंपल शादी की है। मतलब शादी का कोई भी सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बस अपने घर से ऐसे जैसे हम अभी खाना खा रहे हैं ना सब्जी सब्जी वाला, वो रात को ऐसे खाया और मैं सुबह बारात ले। ओ बस उनका ना मेरे ख्याल में सिंपल शादी की है, उन्होंने सिर्फ निकाह करना था बस, और वो घर से अपने घर के करीब से एक दो बंदे ले आए थे, बाकी खुद चले 8-10 बंदे। क्या पहले शादी हुई थी ना? हाँ जी। तो वो पहले मतलब रौनक में की होगी ना पहले शादी? हाँ पहले रौनक में होती है, दूसरी उनके यहाँ तो शादी थी लेकिन हमने पूरी रौनक के साथ की है, हमने सबको बुलाया। हमारे तरफ से कोई शिकवा शिकायत ना हो, हमारे रिश्तेदार हमारे रिवायत रस्में भी ऐसी है कि सबको बुलाना पड़ता है। और हम सादगी ना, जब बेटे की हो या बेटी की सबको बुलाना पड़ता है। सादगी में हम रखे तो सारे रिश्तेदार फिर नाराज होके फूक जाते हैं, धून सुझा के बैठ जाते हैं। तो चलो माशाल्लाह हमारे घर तो रौनक थी, इस बार ना सारे रिश्तेदार आए हैं, नसीब अच्छा था। चलो दिखाई के लिए भिड़े रहे 2 बजे। चलो खा लो खाना पीना। बारिश रुकी है या बारिश बारिश वस्ती रहेगी? बारिश उधर भी थी, आते ऐसे दुल्हन डालते दूल्हा हुए थे सारे आ गए। इधर 4 बजे की खड़ी है, पहले 2 बारह से तेज आई, फिर वो रिम जम खड़ी है बाहर भी नहीं निकलने दे रही, पता नहीं सोएंगे कैसे। हम 5 बजे रवाना हुए थे वहाँ से, 7:30 बजे आपको टाइम बताया था। नहीं कल तो लेट हो गए, इधर से तो जल्दी गए थे ना, इतना सफर भी नहीं। कॉल पे खड़े रहे वो जब कॉल करते रहे ना, वो लड़के कुछ बंदे बच गए थे तो वो मस्जिद के पास खड़े थे, तो वो फिर हम सारे कॉल पे खड़े रहे बाहर निकल के। फिर छोड़ा थे हाँ जी, वो आ गए थे, फिर उठाया, फिर उनको छोड़ा।